मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे, कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे, सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे, जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग है, 40+10, ये 50 लोग, और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गट के पास है, शिवसेना गट के पास है, और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे, हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। एकनाथ शिंदे, अब ये नाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं रहा। इस एक शख्स ने महाराष्ट्र की सियासत में सुनामी ला दी है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ऐसे आंख दिखाई कि महाराष्ट्र की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले शरद पवार भी हक्के बक्के रहे। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों को तो तोड़ ही लिया, और अब बाला साहेब ठाकरे की विरासत भी शिवसेना को उद्धव ठाकरे से छीनने जा रहे हैं। विधायक दल के नेता पद पर रहते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव की नाक के नीचे कब उनकी जमीन में सेंध लगा दी उन्हें पता ही नहीं चला। जब तक उन्हें पता चला, बागी विधायक पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए उड़ चुके थे। फिर क्या था, सत्ता की चाशनी में डूबे मातोश्री में मातम पसर गई। आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कौन है महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचाने वाले एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास शहरी विकास मंत्रालय है, वो कोपरी पकप खड़ी विधानसभा सीट से पार्टी के विधायक भी हैं, जो कि ठाणे जिले के अंतर्गत आती है। महाराष्ट्र विधानसभा में 4 बार चुनाव जीतकर एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। साल 2004, 2009, 2014 और 2019 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे से काफी प्रभावित थे। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया था, तो एकनाथ खड़से को विपक्ष का नेता बनाया गया था। एक महीने के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया। वहीं शिवसेना के विधायकों की बात करें तो उनके पास कुल अनुमानित वोट 64 है, लेकिन पार्टी के पक्ष में सिर्फ 55 वोट पड़े हैं। शिवसेना के विधायकों की बात करें तो उसके पास कुल अनुमानित 64 वोट है, लेकिन पार्टी के पक्ष में सिर्फ 55 वोट पड़े। हाल ही में शिवसेना के एक विधायक की मौत हो गई थी। वहीं कुछ छोटे दल और निर्दलीय विधायक शिवसेना का समर्थन कर रहे थे। वहीं शिवसेना के सिर्फ 52 विधायकों ने ही पार्टी के पक्ष में वोट किया। ऐसे में 12 वोट कम होने की वजह से पार्टी को बड़ा झटका लगा और भाजपा के उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।